Hello students, I am Professor Radharashmi Tiwari. I am here to code a program for you in C++. So let's start with the question. Write a program in C++ to sum two numbers, three numbers and four numbers having function name as sum. That means हमें एक program बनाना है जिसके अंदर हमें दो नंबर का सम करना है, फिर तीन नंबर का सम करना है और फिर हमें चार नंबर का सम करना है और उन जितने भी दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर जो हम ये सम कर रहे हैं उनके लिए हमें अलग अलग फंक्शन बनाने हैं. दो नंबर का अलग फंक्शन बनाया, तीन नंबर को सम करने का अलग फंक्शन बनाया, फोर नंबर्स को सम करने का अलग फंक्शन बनाया और उन तीनों फंक्शन, जो तीन फंक्शन हो जाएंगे, उन तीनों फंक्शन का नाम हमें क्या देना है, सम, मतलब सेम नाम देना है. तो दैट मीन्स हमको ये प्रोग्राम में दो नंबर्स का एडिशन, तीन नंबर का एडिशन और फोर नंबर्स का एडिशन करना है, उनके अलग अलग फंक्शन बनाने हैं और सब फंक्शंस का नाम सम रखना है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में जब आप इस क्वेश्चन को समझा रही थी तो आपके अंदर एक डाउट आया होगा, वो ये कि जब हम तीनों ही फंक्शंस का नाम सम रखेंगे तो फिर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हाउ विल इट डिफर, दैट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो पर्टिकुलर फंक्शन दो नंबर का एडिशन कर रहा है, तीन नंबर का एडिशन कर रहा है या चार नंबर का एडिशन कर रहा है. तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक नए टॉपिक को समझना पड़ेगा और उस टॉपिक का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो स्मॉल वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज पॉली एंड मॉर्फिज्म. राइट, अब इसमें पॉली और मॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड बना है, जिसमें पॉली का मीनिंग होता है, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. दैट मीन्स अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म को नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें एक दूसरे से तो अगर हम बोलना चाहें तो पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मीन्स मैनी फॉर्म्स. दैट मीन्स when one thing represented in many forms is called as polymorphism. One thing represented in many forms can be defined as polymorphism. राइट, अगर हम इसके एग्जाम्पल पे जाएं तो इसका एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकता है कि आप लेट्स अज्यूम आपकी ही बात हो रही है और इफ आई एम गिविंग यू, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू लें कि आप पर्सन, ठीक है, आप हैं जो कि जब किसी शॉपिंग मॉल में जाता है, व्हेन इन शॉपिंग मॉल, when you go to any shopping mall you behaves like a customer, right? लेकिन जब आप किसी बस में होते हो, कहीं travel कर रहे होते हो, so you behaves like a passenger, right? और जब आप घर पे होते हो, सो एट दैट प्लेस यू बिहेव लाइक, आप किसी के बेटे हो सकते हो, किसी की आप डॉटर हो सकते हो, राइट, आप किसी के ब्रदर हो सकते हो, सिस्टर, एनीवन. तो आप जब आप
किसी एक शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो आप वहां पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक कस्टमर की तरह। आप जब किसी बस में ट्रेवल करते हैं तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक पैसेंजर की तरह। आप जब अपने खुद के घर पे होते हैं तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, किसी के बेटे या किसी की बेटी हो सकते हो आप, राइट। तो ये आपका बिहेवियर, आप खुद तो एक ही हो, एक ही इंसान है, वन पर्सन, बट ही और शी इज बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। वो सिचुएशन क्या है, शॉपिंग मॉल, बस, होम, उसमें आप डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो। दैट मीन डिफरेंट बिहेव क्या है, कस्टमर, पैसेंजर, सन, डॉटर एंड ऑल, राइट। तो ये जो पूरा व्हेन अ पर्सन बिहेविंग differently in different situation can be defined as polymorphism, right? So ये हमारा पूरा एक polymorphism का concept होता है। और polymorphism is a very considered as a one of the most important feature of OOPs। और इसको हम achieve, polymorphism को हम C++ में achieve कैसे कर सकते हैं, दो इसके जो टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के वो होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका कंपाइल टाइम, जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और जिसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। फिर हम सेकेंड टाइप पर आए इसके, तो दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करते हैं हम, एंड इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेमोरी विल बी allocated only at compile time. That means जो हमारी compile time polymorphism, static polymorphism होता है, उसमें जो memory होती है किसी हमारे variables और functions के लिए जो memory होती है, program को जो हमारी memory होती है, वो कब allocate होती है, compile time पर। But जब हम dynamic polymorphism की बात करें तो उसमें मेमोरी विल बी एलोकेटेड ओनली एट रन टाइम, राइट। कि हमारी जो मेमोरी होती है फंक्शन को, वो कब एलोकेट होती है, रन टाइम पर। नाउ कमिंग बैक टू आवर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अगर मैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूं तो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं, हम दो तरीकों से इसको अचीव कर सकते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ये एग्जाम्पल्स हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। सेकेंड इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सिमिलरली अगर हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू तो ये हमारा पूरा पॉलीमॉर्फिज्म का एक ओवरव्यू है, राइट। और इसमें हमने अभी ये समझा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, फिर उसके बाद हमने ये समझा कि पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स क्या होते हैं, फिर उनके टाइप्स के हमने एग्जाम्पल्स पता करे कि वो एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो हम कंपाइल टाइम में सबसे पहले एग्जाम्पल पे आते हैं, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है इन फंक्शन ओवरलोडिंग वी लाइक व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम। जब एक प्रोग्राम में बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं बट विद सेम नेम, एक नाम के साथ, तो
उसमें डिफर क्या करता है, उसमें डिफर करता है उस फंक्शन, उन फंक्शंस के पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए, उन फंक्शंस के पैरामीटर्स मतलब नंबर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग होने चाहिए उनके, और इसके अलावा हम कैसे डिफर कर सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके डेटा टाइप्स अलग अलग होने चाहिए। तो ये तरीका होता है हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शंस को डिफर करने का, बट जो उस फंक्शंस का नाम होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसके एग्जाम्पल पे अगर मैं आऊं तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक जो हमारा इसके बाद जो हम सम वाले फंक्शन के बाद वाला जो हमारा प्रोग्राम है वो हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एरिया। फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया फंक्शन है ये क्या करता है, हमारे स्क्वायर का एरिया निकाल के देता है, स्क्वायर्स एरिया। ठीक है, ये हमें वो प्रिंट करके देता है, ये एरिया फंक्शन। फिर उसके बाद हमने एक और फंक्शन बना दिया सेम नाम से, एरिया नाम से ही, और ये क्या करता है, ये हमको निकाल के देता है किसका एरिया, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल एरिया। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमने एक और बना दिया फॉर एग्जाम्पल वॉइड एरिया, और इसमें क्या कर दिया हमने, इसका ये निकाल के दे रहा है हमको एरिया, ये निकाल के दे रहा है हमको क्यूबॉइड का एरिया, क्यूबॉइड एरिया। तो ये हमारे तीन अलग अलग फंक्शन हो गए हैं जिनका, तीन हमने फंक्शंस बनाए हैं जिनका नाम जो है ना वो सेम है, क्या है, एरिया। लेकिन अब हम इनको डिफर कैसे कर सकते हैं, इनको हम डिफर कर सकते हैं फॉर स्क्वायर आई एम गिविंग इंट ए पैरामीटर, जो कि क्या करेगा, एरिया के पैरामीटर को करने के लिए स्क्वायर के एरिया स्क्वायर के एरिया निकालने के लिए क्या करना रहेगा, ए इंटू ए। फिर सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए मैंने क्या यहाँ पे पास कर दिया आर्ग्यूमेंट्स, एक इंट एल पास कर दिया और इंट बी पास कर दिया, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमको क्या करना है, बस एल इंटू बी। फिर उसके बाद क्यूबॉइड के लिए मैंने यहाँ पे इंट एल इंट बी एंड इंट एच हाइट के लिए, और ये हमको क्या पता करके दे रहा है, क्यूबॉइड का एरिया, सो एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जो हमारे फंक्शंस हैं तीनों उनका नाम तो सेम है एरिया, बट दे आर डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो डिफर करते हैं। पहले वाले में इंट ए है, दूसरे में एक, पहले में एक आर्ग्यूमेंट है, दूसरे में दो आर्ग्यूमेंट है, तीसरे में तीन आर्ग्यूमेंट है। यहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से डिफर नहीं करना चाहती हूँ, और मैं अगर चाहती ये वाला जो एरिया है वो सर्कल का हमको निकाल के दे क्या एरिया, तो आई एम पासिंग हियर फ्लोट आर, और सर्कल के लिए हमको क्या करना रहेगा, 3.14 इंटू आर इंटू आर, राइट, ये हमारा सर्कल के लिए हो जाएगा एरिया। तो इसमें अब इसमें भी हम फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव कर रहे हैं, कैसे, वो ऐसे कि हमारे जो फंक्शन है एरिया तीनों वो डिफर कर रहे हैं एक दूसरे में, किस में, डेटा टाइप्स में भी डिफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में भी डिफर कर रहे हैं। सो व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, देन दीज टाइप ऑफ फंक्शंस कैन बी कॉल्ड ओवरलोडेड फंक्शंस, and functions can be overloaded by change in number or type of arguments. So this is the function overloading. Now coming back to our next example for compile time polymorphism is operator overloading, right? So
ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या हुआ? ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिंपली व्हेन वी ओवरलोड द ऑपरेटर. जब हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, सी प्लस प्लस हमको क्या ऑप्शन दे रहा है? दैट वी कैन ओवरलोड द ऑपरेटर ऑल्सो. और इसके एग्जाम्पल के लिए मैं कौन से ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एडिशन वाला ऑपरेटर, ये जो हमारा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं किसी दो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए, राइट? और हम किन्हीं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए भी हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कॉन्केटिनेट राधा एंड रश्मि. आंसर विल बी वॉट दिस, मतलब उसने दो वर्ड्स को, दो स्ट्रिंग्स को उसने कॉन्केटिनेट कर दिया इस ऑपरेटर ने. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. नाउ नेक्स्ट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और उसका एग्जाम्पल क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है फंक्शन ओवर राइडिंग. फंक्शन ओवर राइडिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारी एक बेस क्लास हुई, फॉर एग्जाम्पल, उस बेस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, राइट? और उस फंक्शन की हमने डेफिनेशन जो है, हमने वहां पे भी तो लिखी, बट हमने एक डेफिनेशन उस बेस क्लास से इनहेरिट होकर एक ड्राइव क्लास बनी है, उसके अंदर भी लिखी है उस फंक्शन की. सो दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग, जिसमें फंक्शन का जो नाम है वो सेम है. जो बेस क्लास में बना है उस भी फंक्शन का नाम सेम है, और जो डिराइव्ड क्लास में बना है उस भी फंक्शन का नाम सेम है. सो फंक्शन ओवरराइडिंग इज व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज अ डेफिनेशन फॉर वन ऑफ द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, देन दैट बेस क्लास फंक्शन इज सेट टू बी ओवरराइडन, राइट? तो ये हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग हुआ. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन वॉज write a program in C++ to sum two numbers, three numbers and four numbers having function name as sum. तो ये हमारा जो question है वो किस वाले type से, polymorphism के किस type से relate कर रहा है? That is compile time polymorphism. और compile time polymorphism के किस function से relate कर रहा है, किस एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा है? दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं सेम नेम के साथ बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स. तो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, और हम यहाँ पे वही परफॉर्म करने वाले हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आई नीड टू मेक वन क्लास, और मैंने क्लास का नाम फॉर एग्जाम्पल दे दिया ABC. नाउ इसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे इसके अंदर फंक्शंस बनाने हैं. किस चीज के लिए? दो नंबर को ऐड कराने के लिए, तीन नंबर को ऐड कराने के लिए, और चार नंबर, मतलब मुझे तीन फंक्शन बनाना है. तो सबसे पहले मैं तीन फंक्शन बना लेती हूं इन सम, फिर मैंने एक और फंक्शन बना दिया इन सम, फिर एक और फंक्शन बना दिया इंट सम. देखो उसने क्वेश्चन में ही बोला था मुझे तीन फंक्शंस बनाने हैं, लेकिन वो तीनों के नाम जो हो वो सम ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिफर दी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट्स. तो वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पहले मैं दो आर्ग्यूमेंट देने, क्योंकि दो नंबर हम ऐड कराने वाले हैं, तो हमने दे दिया इंट ए, int b. दूसरे में हम तीन आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम तीन आर्ग्यूमेंट्स का ऐड कर रहे हैं, तो int a, int b एंड int c. फिर तीसरे में हम चार नंबर्स का ऐड करा रहे हैं, तो हम चार आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे int a, int b, int c एंड लास्ट वन इज int d. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट रिटर्निंग. जब हम रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, तो कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा. तो वी आर डायरेक्टली रिटर्निंग आर आउट, हम जो हमारा आंसर रिटर्न करा रहे हैं इस फंक्शन का, तो वो क्या है? रिटर्न ए प्लस बी
इसमें रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी और लास्ट में रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सी अगर आप याद करें हमारा इनलाइन फंक्शंस वाला वीडियो, तो मैंने क्या बोला था उस वीडियो में कि जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना वो इम्प्लिसिटली इनलाइन होते हैं, ऑटोमेटिकली इनलाइन होते हैं, और वो क्लास जो जो हमारा फंक्शन होता है ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट भेजता है कंपाइलर को कि इस फंक्शन को पर्टिकुलर फंक्शन को आप इनलाइन बना दीजिए। अब वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि उसको बनाना है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे ये तीनों फंक्शन बन सकते हैं इनलाइन, क्यों? क्योंकि ये इनकी जो लेंथ है, ये फंक्शन जो है वो बहुत छोटे हैं, वन लाइन फंक्शन है ये, राइट? तो आई थिंक सो हमारी यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा मेन फंक्शन बनाना है जिसके अंदर चार वेरिएबल्स बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम फंक्शंस में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो आई एम टेकिंग इट पी क्यू आर एंड एस। देन आई एम यूजिंग क्लियर स्क्रीन फॉर क्लियरिंग आर लास्ट आउटपुट। देन अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पी क्यू आर एस जो मैंने अभी वेरिएबल्स बनाए हैं उनके लिए डेटा इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है? तो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज सी आउट और एंटर फर्स्ट नंबर, देन सी इन पी, सेम फॉर एंटर सेकेंड नंबर, देन सेम प्रोसेस फॉर आर, एंटर थर्ड नंबर, एंड फॉर लास्ट वन एंटर फोर्थ नंबर, सेम फॉर एस। इसके बाद क्या करना है, हमें ये जो नंबर्स हमने इनपुट लिए हैं यूजर से, उन नंबर्स को हमको एडिशन कराना है, और उनको एडिशन कराने के लिए हमको फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे हमारी क्लास में से, और उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो अब हमारा काम है हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो मैंने यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट हमारे क्लास का ओबीजे, और अब क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू प्रिंट दी फाइनल आउटपुट फॉर एडिशन ऑफ टू इन टू नंबर्स, देन एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स एंड देन एडिशन ऑफ फोर नंबर्स। तो आई एम राइटिंग सी आउट एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, जस्ट यहां पे हम कॉल करने वाले हैं डॉट ऑपरेटर का यूज करके सम फंक्शन, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्योंकि हम दो नंबर की बात कर रहे हैं तो दो पैरामीटर्स पास करूंगी, हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो वाला, तब भी उसमें दो करे हैं, तो पी एंड क्यू। देन फॉर नेक्स्ट वन एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, सो
object dot sum. Now I'm talking about the three argument वाला function. मैं three argument वाले function की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे दूसरा function जो हमने बनाया था वो call होगा, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीन argument pass करने पड़ेंगे तभी वो function call होगा. तो p, q and r. Now last one is addition of four numbers object dot sum. और अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, चार arguments pass करने वाले हैं. इससे क्या होगा, चार argument वाला ही हमारा function call होगा. Then get ch, then close. We have already closed our main function. So, I think so, हमारा प्रोग्राम अब कंप्लीट हो गया है. तो हमने क्या करा, हमने एक क्लास बनाई ABC, जिसके अंदर हमने तीन पब्लिक मेंबर फंक्शंस बनाए हैं. वो क्या है, तीनों का नाम है सम, और सम और फंक्शन ओवरलोड करे हमने, और उनमें हमने हाउ वी हैव डिफर दैट फंक्शन. सो कैसे वी हैव यूज डिफरेंट पैरामीटर्स. लाइक सबसे पहले हमने दो पैरामीटर लिए सम फंक्शन में, रिटर्न करा दिया उनका सम. फिर हमने दूसरे फंक्शन में हमने तीन ही पैरामीटर लिए, उन तीनों का सम रिटर्न करा दिया. फिर तीसरे फंक्शन में हमने चार पैरामीटर लिए और रिटर्न करा दिया चारों का सम. देन हमने मेन फंक्शन हमारा डिफाइन करा, जिसके अंदर मैंने चार वेरिएबल्स बनाए, डिक्लेयर करे हैं, और फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स की वैल्यूज मैंने इनपुट ली यूजर से. फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा क्लास एबीसी का. फिर उसके बाद मैंने एडिशन प्रिंट करा दिया, दो नंबर का, तीन नंबर का और चार नंबर का. तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम क्रिएट हो गया. अब इसमें मैं जैसे ही इसको रन करूंगी, फर्स्ट वी विल कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड देन रन दिस प्रोग्राम. तो एंटर फर्स्ट नंबर, आई एम गिविंग टू, देन सेकंड नंबर थ्री, फोर, फाइव. राइट, तो दिस इज आवर रिजल्ट. वन मिनट, आई एम यूजिंग आई विल यूज स्लैश एन, क्लियरली दिखे ताकि स्लैश एन एंड हियर ऑल्सो स्लैश एन. अगेन कंपाइल इट अगेन एंड अगेन, एंड देन 2, 3, 4, 5. सो द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 5. 2 और 3 का एडिशन 5 हुआ. एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, 2, 3 और 4 का एडिशन 9 हुआ. एडिशन ऑफ फोर नंबर्स, 2, 3, 4, 5 का हुआ 14. तो ये हमारा पूरा आउटपुट आ गया है. अब इसमें हम अगर देखें कि यहां पे क्या हुआ, जब हमने कॉल किया फंक्शन सम, राइट, और यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट जब पास करे थे, तो यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन कॉल हुआ है हमारा. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देती हूं फर्स्ट फंक्शन. तो कौन सा वाला कॉल हुआ, फर्स्ट फंक्शन. और जब हमने वहां पे नीचे ऑब्जेक्ट के साथ में फंक्शन के अंदर तीन आर्ग्यूमेंट पास करे, तो हमारा कौन सा वाला कॉल हुआ, सेकेंड फंक्शन. और जब ऐसे ही सिमिलरली चार आर्ग्यूमेंट पास करे, तो हमारा कौन सा वाला कॉल हुआ है, थर्ड फंक्शन. राइट, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे पी क्यू आर की जगह पे दो ही मतलब तीन आर्ग्यूमेंट की जगह पे दो ही आर्ग्यूमेंट पास कर देती, और फिर हमारा क्या आउटपुट आता वो हम देखते हैं. आउटपुट इज सेम, तीन नंबर का एडिशन भी वो दो ही नंबर का बता रहा है, 5. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करा, और जैसे ही कंपाइलर ने रीड करे दो आर्ग्यूमेंट्स, तो उसने क्या समझा यहां पर आकर कि हमको किसको कॉल करना है, हमको कंपाइलर को फर्स्ट फंक्शन को कॉल करना है. That means जो हमारा कंपाइलर है वो functions को differ किस तरीके से कर रहा है, argument, different types of arguments के लिए, right? इस तरीके से वो कर रहा है. Now, इसमें अगर हम चाहें तो हम
समझने के लिए एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू, मैं यहां पर आपको दो ही फंक्शंस का, अब भी दो ही पैरामीटर्स यहां पे पास कर रही हूं, और मैं इनको डिफर कैसे करूंगी, मैं इनको डिफर कर रही हूं इनके डेटा टाइप से. आई एम गोइंग टू गिव देम फ्लोट, और रिटर्न करा रही हूं ए प्लस बी ही, एंड आई एम गोइंग टू चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ, नो यू कैन नॉट चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज द रूल फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग. एंड आई एम गोइंग टू गिव टू न्यू डेटा मेंबर वेरिएबल्स, दैट इज एक्स एंड वाई फॉर फ्लोट टाइप, एंड आई एम गोइंग टू गिव हियर एक्स एंड वाई, एंड चेंजिंग हियर एडिशन ऑफ टू फ्लोट नंबर्स. So let's okay, compile and then see the difference. Right, 1 minute. We have not taken the input for our x and y. So I'm giving here directly x equals to 3.4 and y equals to 9.6. Again compile it and then run it. फर्स्ट नंबर 2, 3, 4, 5. सो आपको एडिशन दिख गया, आपको याद है मैंने क्या दिया था, 3.5 एंड 9.6 दोनों का एडिशन हुआ, और एडिशन होके आंसर समथिंग इन अराउंड 13 point something. तो 13 point something में बिकॉज वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप इन अवर फंक्शन, दैट मीन दैट्स वाई उसने हमारे यहाँ पे एडिशन ऑफ टू फ्लोट नंबर में हमको क्या दिखा दिया, 13 आंसर दिखा दे इंटीजर टाइप का, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमको नहीं शो करी. सो अगर मैं इसको यहां पे फ्लोट बना देती तो फिर क्या होता, लेट्स सी. रन कंपाइल हो गया हमारा और रन भी हो गया, राइट. दैट मीन्स हम यहां पे उनके डेटा टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं, फंक्शंस के रिटर्न टाइप्स, सॉरी जो फंक्शंस के रिटर्न टाइप्स है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. हर चीज को हमको मैंने आपको इसलिए पहले फ्लोट नहीं करके बताया रिटर्न टाइप, इसीलिए ताकि आप इस, मैं खुद आपको वो चीज इम्प्लीमेंट करके बताऊं, राइट. सो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल हुआ है. अब फंक्शन ओवरलोडिंग के एग्जाम्पल में हमने करा क्या, हमने तीन फंक्शंस बनाए नंबर्स को ऐड करने के लिए. एक फंक्शन में दो नंबर को ऐड करा, नेक्स्ट उसमें हमने तीन नंबर को ऐड करा, और फिर उसके बाद में हमने फोर नंबर्स को ऐड करा. सो दिस वॉज अवर कंप्लीट प्रोग्राम एंड वी हैव कंपाइल्ड इट सक्सेसफुली, रन इट सक्सेसफुली, एंड देन हमने इसके अलावा भी हमने ये भी समझा कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर कंपाइल टाइम के पॉलीमॉर्फिज्म के हमने एग्जांपल्स देखे और जाने, और फिर उसके बाद हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के भी एग्जांपल्स जाने. थैंक यू वेरी मच.